नमस्कार, लखनऊ के क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से यूपी तथा राजधानी से संबंधित तमाम छोटे एवं बड़े खबर। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही न्यूज को अंत तक सुनने के बाद लाइक करके कॉमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि कौन सा न्यूज आपके लिए रहा बेहद खास। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। योगी सरकार का निर्देश, वर्ड फ्लू पर तत्काल एहतियाती कदम उठाएं अफसर, निर्देश हुआ जारी। जी हां, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि सूचना विभाग के माध्यम से वर्ड फ्लू को लेकर जनमानस को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, सुरक्षात्मक कदम तत्काल उठाए जा सके, इसके लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियों के संबंध में जानकारी दें। उन्होंने यह निर्देश वर्ड फ्लू से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक के दौरान दिए। तिवारी ने कहा कि मृत पक्षियों की सूचना आपातकालीन नंबर व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय युवा दिवस में इन युवाओं ने अपनी अलग सोच से पढ़ाई के साथ ही खेलों में भी कायम की बादशाहत। जी हां, एक जमाना था जब लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत कुछ होनहारों ने इस कहावत को खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब में बदल दिया है। अब युवा न सिर्फ पढ़ाई बल्कि खेलों में भी अपनी बादशाहत कायम करने में जुटे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई और खेल दोनों में नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी तो राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे ही होनहारों से सचिन त्रिपाठी मुलाकात कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू किया गर्भ संस्कार पाठ्यक्रम, कोर्स में कुल 5 थियोरेटिकल पेपर, 1 इंटर्नशिप। जी हां, लखनऊ विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन संस्थान में पीजी डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार में पाठ्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। विवी ने पहली बार शुरू हुए इस पाठ्यक्रम में स्नातक, परास्नातक, शोध छात्र छात्राओं के साथ ही गृहिणियां, IVF सेंटर संचालक तथा रिटायर्ड स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। लवीवी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि यह कोर्स राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा और कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के सहयोग एवं प्रोत्साहन से शुरू हुआ है। महिला अध्ययन संस्थान की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अर्चना शुक्ला के अनुसार इसकी प्रथम कक्षा का संचालन सोमवार को किया गया। वाराणसी के उप परिवहन आयुक्त का निलंबन आदेश रद्द, कोर्ट ने कहा निलंबन अवांछित व दुरास्य पूर्व। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वाराणसी के उप परिवहन आयुक्त का निलंबन आदेश रद्द करते हुए कहा कि यह चल रही विभागीय जांच के परिणाम के अधीन होगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि याची को निलंबित करने का आदेश उसके खिलाफ आरोपों की गंभीरता व संबंधित नियम देखे बगैर पारित किया गया जो अवांछित व दुरास्य पूर्ण था। न्यायमूर्ति AR मसूदी ने यह आदेश लक्ष्मीकांत मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। याचिका को कर्तव्य का त्याग करने आदि के आरोपों में निलंबित किया गया था। गायत्री प्रजापति पर मुकदमा दर्ज कराने वाले व उसके बेटे पर हमला। गोमती नगर विस्तार के खरगापुर में सोमवार देर रात पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। मारपीट के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दिखाने वाले ब्रिज भवन चौबे और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जी हां, प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर विस्तार अखिलेश चंद्र पांडे के मुताबिक खरगापुर निवासी ब्रिज भवन चौबे के पड़ोस में आर्किटेक्ट किशन रहते हैं। सोमवार रात ब्रिज भवन चौबे के बेटे अनुज और किशन के बीच पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई थी। किशन को चोट लगने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अनुज पर साजिश के तहत हमला करने का आरोप निराधार है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्रिज भवन चौबे ने सपा सरकार के एक कदावर मंत्री गायत्री प्रजापति व उनके बेटे अनिल प्रजापति पर विस्तार थाने में ही आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें पिता पुत्र जेल में है। यूपी में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं एक ही पाली में लगेंगी, सुबह 10 बजे से होगी पढ़ाई। जी हां, शासन की ओर प्रदेश के सभी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को एक पाली में सुबह 10 से अपराह्न 3 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेष सचिव आर्यका अकोरी की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्ड पर लागू होगा। सभी जिला अधिकारियों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सचिव यूपी बोर्ड, संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर इस आदेश का पूरी तरह से अमल कराने को कहा गया है। बिकरू कांड का एसआईटी रिपोर्ट ईडी को सौंपी गई। जी हां, शासन ने बिकरू कांड में आर्थिक पहलुओं की जांच के लिए एसआईटी की रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सौंप दी है। इस मामले में विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य की जांच के साथ साथ उनके करीबियों की जांच भी की जाएगी। एसआईटी को जांच में कई अहम जानकारी मिली थी। इसमें अपराध के पैसों से कई संपत्तियां जुटाने की भी जानकारी थी। अब ईडी एसआईटी की रिपोर्ट का मंथन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। नियमित ट्रेनों को स्पेशल बनाकर वसूला जा रहा अधिक किराया। जी हां, रेलवे रेगुलर ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चला रहा है। पहले के मुकाबले यात्रियों को स्लीपर से लेकर थर्ड एसी तक में 500 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। महंगा किराया यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। गत मार्च में कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे ने ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके बाद जून से रेलवे ने देश भर में 200 ट्रेनों का संचालन शुरू किया। खास बात यह है कि जो रेगुलर ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही थी, उन्हें रेलवे ने स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच रेगुलर ट्रेनें बढ़ी, लेकिन रेलवे उन्हें स्पेशल के रूप में ही चलाता रहा। रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियों को भी हरी झंडी दे दी, साथ ही क्लोन ट्रेनें भी चलाई, मगर इनका भी किराया अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक है। हद तो यह है कि अब जब कोई त्योहार नहीं है, फिर भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें दौड़ रही है, वहीं महंगे किराए को लेकर यात्री परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजीएमयू में कोरोना योद्धाओं से करेंगे बात। पीएमओ से जुड़ेंगे लखनऊ के 16 अस्पताल। जी हां, इस बार नए साल पर राजधानी लखनऊ के कोरोना योद्धाओं को 16 जनवरी को डबल तोहफा मिलेगा। उन्हें जहां सरकार सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन की डोज देगी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव सुनने व उनसे बात करने का मौका भी मिलेगा। इसको लेकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों और कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है। शहर के 61 अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से 16 अस्पतालों को 16 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना योद्धाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रूबरू होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से पीएमओ से लाइव जुड़ने वाले केंद्रों की सूची भेज दी गई है। 16 में से सिर्फ एक केंद्र पर बोथ वे सिस्टम होगा। इस सेंटर पर लाभार्थी न सिर्फ पीएम को सुन सकेंगे, बल्कि यहां के किसी एक या दो हेल्थ वर्कर को बात करने का मौका भी मिलेगा। वहीं शेष 15 केंद्रों पर पीएम का लाइव संदेश सुनने की सुविधा होगी। लखनऊ में 450 करोड़ रुपए ठगी, 400 FIR, फिर भी पुलिस की गिरफ्त से कैसे दूर है रोहतास बिल्डर। जी हां, करीब 450 करोड़ रुपए की ठगी, 400 से ज्यादा FIR, रेरा का लगातार आदेश, इतना सब कुछ होने के बावजूद राजधानी की पुलिस रोहतास बिल्डर्स को 4 वर्ष से नहीं तलाश पा रही है। उनके खिलाफ 2016 से ही कई FIR दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस की मेहरबानी से बिल्डर बचता रहा है। अब ऊपर की सख्ती के बाद पुलिस ने बिल्डर पर शिकंजा कसा है, उसके MD व CMD को भगोड़ा घोषित किया है। रोहतास बिल्डर ने राजधानी के 1950 आवंटियों से लगभग 450 करोड़ रुपए की ठगी की है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जांच में इतनी बड़ी रकम की ठगी का खुलासा हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।